यार आप लोगों का जेई मेंस ऑलमोस्ट खत्म हो चुका है एंड मेरे पास यार बहुत मैसेज ये आ रहे हैं कि भैया काफ़ी कम परसेंटाइल आ रही है, कोई ऐसे कॉलेजेस बता दो जिनमें मुझे एडमिशन मिल पाए, भैया कोई ऐसे NITs बता दो जिनमें काफ़ी कम रैंक में हमें एडमिशन मिल जाए, भैया क्या मुझे प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन लेना चाहिए कि नहीं, भैया मुझे क्लास 12 के बेसिस पे कौन से कॉलेजेस मिल रहे होंगे। आज के वीडियो में यार हम लोग प्रॉपर सारी चीज़ों को देख रहे होंगे कि यार कितने ऑप्शंस हैं हमारे पास, सारे ऑप्शंस को एक्सप्लोर करेंगे कि प्राइवेट कॉलेजेस में क्या मिल रहा होगा हमें, ठीक है, टॉप प्राइवेट कॉलेजेस में क्या मिल रहा होगा, क्लास 12 के बेसिस पे कौन से कॉलेजेस मिल रहे होंगे, NITs कौन से हैं जो कि काफ़ी कम रैंक में एडमिशन दे देते हैं, क्या हमें इंडिया में पढ़ना चाहिए कि हमें बाहर जाना चाहिए, बहुत सारे ऑप्शंस को आज हम लोग एक्सप्लोर करने वाले हैं। तो काफ़ी कम परसेंटाइल है बॉस, तो टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, बहुत ऑप्शन है अपने पास, पूरी वीडियो देखना एंड स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यार हम लोग ये देख लेते हैं कि कौन से टॉप प्राइवेट कॉलेजेस हैं जो कि आपको JEE के बेसिस पे एडमिशन दे देते हैं। सबसे पहले यार आपका DAICT देता है एडमिशन, ठीक है, इनमें यार आपको बहुत ही बढ़िया प्लेसमेंट देखने को मिलते हैं, आपका LNM IIT है, थापर है, निर्मा है एंड आपका JP है। आपका JP में भी काफ़ी बढ़िया एवरेज पैकेज गया है। अगर मैं निर्मा की बात करूँ तो इसमें जो आपका CSE का एवरेज पैकेज है वो काफ़ी बढ़िया है, 10 के आसपास ये लोग बता रहे हैं। अगर मैं ओवरऑल बात करूँ तो 7 से थोड़ा सा नीचे, मतलब 6.9 या 8 के आसपास इनका एवरेज पैकेज है इनकी ऑफिशियल वेबसाइट के हिसाब से। बाकी कई ऐसी दूसरी वेबसाइट्स हैं जो कि क्लेम कर रही है 9 लाख 10 लाख का, ठीक है, जब मैंने ऑफिशियल पे देखा तो 7 के आसपास मुझे दिखा। अब ये कॉलेजेस उन बच्चों के लिए हैं जिनके 95 के आसपास या फिर उससे ऊपर परसेंटेज आ रहे हो, ठीक है भैया, हमें तो लो परसेंटेज वाले कॉलेज बताओ इतने हमारे नहीं आ रहे हैं, ठीक है, तो अब उसके बारे में जान लेते हैं। यहाँ पे यार आपको मैं 3-4 ऑप्शंस बताऊंगा कि आपको क्या करना चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ बच्चे ऐसे होंगे जिनको ये कॉलेजेस मिल रहे होंगे, शिवनादर, अमृता यूनिवर्सिटी हो गया, UPS, ग्राफिकेरा, LPU, CU चितकारा, गलकोटिया, MET, बेनेट, क्या भैया हमें इन कॉलेजेस में एडमिशन लेना चाहिए। अब यहाँ पे मैं आपसे सिर्फ दो चीज़ें पूछूंगा, क्या तुम खुद से 100% अपना देने के लिए रेडी हो, अगर हाँ तो आप इन कॉलेजेस में एडमिशन ले सकते हो। दूसरी चीज़, आपको एजुकेशनल लोन लेने की ज़रूरत तो नहीं पड़ रही, अगर नहीं पढ़ रही है तभी आप इनमें एडमिशन लेना। एजुकेशन लोन लेके मैं सजेस्ट नहीं करूँगा क्योंकि इनका एवरेज पैकेज उतना अच्छा नहीं देखने को मिलता है, ठीक है। अगर आप फीस देखोगे तो आपको 14-15-25 लाख तक इनकी फीस चली जाती है, तो आप उतना एजुकेशनल लोन लेके आप फिर वो बहुत टाइम लग जाएगा आपको कवर करने में, तो वो मैं सजेस्ट नहीं करूँगा। अगर जो बच्चे अफोर्ड कर पाते हैं अच्छी तरीके से वो इन कॉलेजेस में एडमिशन ले सकते हैं। कंडीशन एक ही रहेगी, मैं आपको यही बोलूँगा कि भाई कॉलेज से एक्सपेक्ट मत करना कि वो आपको 10 लाख 20 लाख का पैकेज देगा, ठीक है, कॉलेज में अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं, लेकिन मैं यही बोलूँगा कि आप पहले साल से ही सोच के रखना कि मुझे अपनी मेहनत डालनी है एंड 4 साल बाद मैं अपने उससे ही कुछ करूँगा, ठीक है। ये सोच के चलोगे तो आपकी डेफिनेटली 4 साल में आपकी स्किल्स काफी अच्छी हो चुकी होंगी एंड अगर कोई कंपनी भी आएगी तो डेफिनेटली आप उसे क्रैक कर रहे होंगे, ठीक है। अगर आप ये सोचोगे कि कॉलेज आपको बढ़िया प्लेसमेंट दे देगी तो ऐसा नहीं होता है बॉस, प्राइवेट कॉलेज है, आपको खुद से अपनी मेहनत काफी ज्यादा डालनी पड़ती है, आपको CGPA प्रॉपर मेंटेन करने पड़ेंगे। अभी रिसेंटली मेरी एक बच्चे से बात हुई, उसने बताया कि हमारे कॉलेज में 800 बच्चे थे एंड एक कंपनी आई थी जो कि 15 लाख का पैकेज दे रही थी, तो उसने क्या बोला कंपनी ने कि यार जिसके भी 9 CGPA से ऊपर है वही बैठ के टेस्ट देगा, ठीक है, तो ऐसे में आधे से ज्यादा जनता बाहर हो जाती है, आधे से ज्यादा, तो कंपनी भी यार उतने ज़्यादा बच्चों को हायर करने तो नहीं आ रही है, मुश्किल से वो 4-5-6 लोगों को लेके जाएगी, तो वो भी यही बोलेगी कि यार 9 CGPA से ऊपर जो भी है या फिर 9.5 CGPA से ऊपर है वही टेस्ट दो ताकि उनको सेलेक्ट करने में आसानी हो जाती है, ठीक है। तो मैं यही बोलूँगा कि आप अपनी मेहनत पूरी करना कॉलेज में, अगर कोई ऐसी कंपनीज आती हैं तो आपको इन क्राइटेरिया के बेसिस पे भी वो आपको उठा सकती है कि भाई 9.5 के ऊपर है, 9 के ऊपर है, तभी आप सेलेक्ट होगे, फिर आप अपनी स्किल्स के हिसाब से कहीं ना कहीं सेलेक्ट हो रहे होगे। तो बेसिक फंडा है बॉस कि अगर प्राइवेट कॉलेज है तो कॉलेज से एक्सपेक्ट मत करना कि वो आपको बहुत ही बढ़िया जॉब दे देगी, अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी लेकिन खुद से ही मेहनत डालनी पड़ती है। अब भैया मेरे को ना ये कॉलेजेस अफोर्ड करने के लिए मेरे पास इतने पैसे नहीं है, अब मैं क्या करूं? तो देखो आपको ना आपकी स्टेट काउंसलिंग के थ्रू काफ़ी सारे गवर्नमेंट एंड प्राइवेट कॉलेजेस मिल रहे होते हैं जिनकी फ़ीस अगर मैं इन प्राइवेट कॉलेजेस से कंपेयर करूं तो डेफिनेटली काफ़ी कम होती है। यहाँ पे आप देखोगे तो आपकी फीस कम होगी प्लस आपको 4 से 6 लाख के बीच में एवरेज पैकेज मिल रहा होता है कंप्यूटर साइंस ब्रांच। अगर आप ऐसे कॉलेजेस में एडमिशन ले लेते हैं, पहली चीज़ आप पैसे काफ़ी बचाओगे, ठीक है, दूसरी चीज़ ये होगी कि यार आप ऑफ कैंपस तैयारी करके बहुत बढ़िया अच्छी कंपनी फोड़ सकते हैं। भैया ऑफ कैंपस तो सब बोलने वाली बात है, नहीं ऐसा नहीं होता है, अगर आपके पास अच्छी स्किल्स हैं बॉस तो डेफिनेटली आप ऑफ कैंपस फोड़ सकते हो। दूसरी चीज़ ये है कि भैया मेरा ना सपना ही था कि मुझे IIT वगैरह में जाना है, तो एक चीज़ आप और कर सकते हो, आप GATE की तैयारी कर सकते हो, ठीक है, आपने स्टेट काउंसलिंग के थ्रू कोई कॉलेज ले लिया जिसकी फ़ीस काफ़ी कम है, ठीक है, एंड आप GATE के थ्रू फिर IIT या फिर टॉप कॉलेजेस में जा रहे होगे, ये ऑप्शंस आपके पास अवेलेबल है। अब यहाँ पे काफ़ी बच्चे ये भी बोलते हैं कि भैया हमारे पास पैसे हैं एंड हम थोड़ा बहुत अफोर्ड भी कर सकते हैं, लेकिन मुझे ना ये प्राइवेट कॉलेजेस के प्लेसमेंट समझ में नहीं आ रहे, तो ऐसे केस में आप जर्मनी जा सकते हो। जर्मनी के लिए यार 2 वीडियो मैंने बताई है एंड वो 2 वीडियो आपको सारी डिटेल्स के लिए सफिशिएंट है, ठीक है,
जो भी आपको जर्मनी के बारे में समझना है, ये दो वीडियोस मैंने बताई हैं। अगर आप इंडिया में किसी प्राइवेट कॉलेज को अफोर्ड कर सकते हैं जो कि टॉप का है, तो आप डेफिनेटली जर्मनी भी अफोर्ड कर सकते हैं। आप ऐसा भी कर सकते हो कि आपने एक साल इंजीनियरिंग इंडिया में कर ली, ठीक है, फिर बाकी के जो तीन साल है वो आप जर्मनी में जाके कर सकते हो। प्रॉपर सारी चीज़ें इसमें समझाई हुई है मैंने। जर्मनी में एक चीज़ ये है कि आपकी जो पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ हैं उनमें आपकी ट्यूशन फीस लगती नहीं है, ठीक है, आपकी ट्यूशन फीस बच जाती है, सिर्फ रहने का एक्सपेंस होता है, वो भी आप कवर कर सकते हो पार्ट टाइम जॉब्स करके। सारी चीज़ें मैंने समझाई हुई हैं। अब यहाँ पे कई बच्चे ऐसे भी होंगे जिनका जेई अच्छा नहीं गया, लेकिन क्लास ट्वेल्थ में उनके अच्छे मार्क्स हैं, सेकंड उन्होंने कॉमेट के एमएससी सीटी जैसे एग्जाम्स भी दिए हुए हैं, ठीक है, एमएससी सीटी का होने वाला है भी। अगर आपने इन एग्जाम्स के लिए अप्लाई किया है तो इनमें भी आपको कुछ ना कुछ रैंक आई होगी। अगर आपको लगता है कि इनके थ्रू आपको कोई अच्छा कॉलेज मिल रहा है, जैसे कॉमेट के में आपकी 10-15 हज़ार के आसपास रैंक है, आपको डिसेंट कॉलेज मिल जाता है। अगर आपको कोई अच्छा कॉलेज नहीं मिल रहा है तो आप इन कॉलेजेस में भी जा सकते हो, एमएससी सीटी के थ्रू भी काफ़ी बढ़िया आपको कॉलेजेस मिल जाते हैं। अब यहाँ पे वो बच्चे भी आते हैं जिनके क्लास ट्वेल्थ में काफ़ी बढ़िया परसेंटेज आए हुए, जिनके 95, 96, 90 से ऊपर परसेंटेज हैं। तो ऐसे केस में आपको कौन से कॉलेजेस मिल जाते हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। जैसे शास्त्रा यूनिवर्सिटी है, 13 अगस्त इसकी लास्ट डेट है। जेपी की बात करें, 31 जुलाई इसकी लास्ट डेट है, मेरे ख्याल से कल इसकी लास्ट डेट है, तो जेपी में अगर आप चाहो तो भर सकते हो। जेपी मेन कैंपस वो मैं आपको रिकमेंड करता हूँ, और जेपी गुना भी डिसेंट है, लेकिन मैं सोलन वाला जो कैंपस है वो प्लेसमेंट्स के हिसाब से मैं रिकमेंड नहीं करता हूँ, बाकी गुना एंड मेन कैंपस में आप ले सकते हो। अब आता है अन्ना यूनिवर्सिटी, अब यहाँ पे भी आप अप्लाई कर सकते हो। सत्यभामा की लास्ट डेट ओवर हो चुकी है, थापर की भी मेरे ख्याल से एक दो दिन पहले ही खत्म हो चुकी है। तो ये कॉलेजेस भी हैं जो कि आपको क्लास 12 के बेसिस पे एडमिशन दे देते हैं। अब बात करते हैं मैनेजमेंट कोटा की। मैं सपोर्ट नहीं करता मैनेजमेंट कोटा को, ठीक है, ना ही मैं बहुत ज़्यादा प्रमोट करता हूँ भाई मैनेजमेंट। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो कि यार बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं, मैं उनको सिर्फ आइडिया दे रहा हूँ कि ये कॉलेजेस हैं, RVC, MSRIT, BMS, SRM, MIT, VIT पुणे, आपका DY पाटिल अकुर्दी, MIT, WPU, सिम्बायसिस, इनमें मेरे ख्याल से मैनेजमेंट कोटा अवेलेबल हो जाता है। कैसे एडमिशन लेना है, कितनी फीस लगती है, मुझे आइडिया नहीं है, ठीक है, क्योंकि मैं ये सारी चीज़ें नहीं करता हूं। तो मैनेजमेंट कोटा में ये कॉलेजेस अवेलेबल हो जाते हैं, बहुत सारे काउंसलर्स आपको मिल जाते हैं, आप डायरेक्ट कॉलेज में भी कॉल करके पूछ सकते हो कि है कि नहीं है, तो वो भी आपको गाइड कर देंगे अगर होगा तो। बाकी इन कॉलेजेस में हमें देखने को मिलता है। अब हम लोग बात कर लेते हैं सेफ रैंक कितनी होगी NITs एंड ट्रिपल IITs के लिए। पहले भी ये वीडियो मैं बना चुका हूं, लेकिन अभी फिर से मैं बता देता हूं। देखो, अगर आपकी 93-94 परसेंटाइल के आसपास है, अगर आप जनरल कैंडिडेट हैं, अदर स्टेट कैंडिडेट हैं, तो आपको नॉर्थ ईस्ट NITs में कहीं ना कहीं कोई ब्रांच मिल रही होगी। अगर आपको जैसे 92-91-90 के आसपास परसेंटाइल है, तो हो सकता है आपको होम स्टेट में कोई NIT में कोई सीट मिल जाए, ठीक है। अगर आप जैसे नॉर्थ ईस्ट के रहने वाले हैं एंड आपका होम स्टेट है, तो डेफिनेटली आपको 50-60-70-80 परसेंटाइल पे भी एडमिशन मिल जाता है NITs। अगर हम देखें तो सेफ रैंक कितनी होगी NITs के लिए, अगर आपकी 65-75,000 तक रैंक है, तो आपको CSAP राउंड में कुछ ना कुछ मिल जाता है। EWS के लिए 75-80,000, अगर OBC की बात करें 80-85,000, आप परसेंटाइल के हिसाब से अपनी रैंक कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। टोटल यूनिक स्टूडेंट्स आपको लगाने होंगे फॉर्मूले में। ST की बात करें 3 लाख तक आपको NIT मिल जाता है, SC की बात करें 2 लाख तक आपको मिल जाती है सीट। अगर मैं बात करूँ PW की, तो 9-10 लाख तक भी आपको एडमिशन मिल जाता है। जैसे NIT मणिपुर में 92,000 पे आपको सिविल मिल रही थी CSAP राउंड में, NIT जलंधर में 64,000 पे आपको टेक्सटाइल मिल रही थी, ये मैं अदर स्टेट की बता रहा हूँ। अगर आप होम स्टेट से हैं तो इससे ज़्यादा रैंक पे भी आपको ये ब्रांच मिल रही होगी। जैसे NIT जलंधर में 64,000 पे मिल रही है जनरल को, अदर स्टेट को, यहीं पे आप होम स्टेट की बात करें तो डेफिनेटली आपको ये 64,000 से ऊपर रैंक में भी मिल जाती है। NIT आंध्र प्रदेश में 75,000 पे बायोटेक मिल रही थी, अगरतला में 93,000 पे प्रोडक्शन मिल रही थी, NIT मिजोरम में 1 लाख पे आपको सिविल मिल रही थी। PDF का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल रहा होगा, और जितने भी कट ऑफ्स में यार आने वाले वीडियो में बताने वाला हूँ सबके PDF आपको टेलीग्राम पे मिल रहे होंगे, तो ज्वाइन कर लेना। जितने भी PDFs रेडी होंगे मेरे साइड से वो सारे आपको टेलीग्राम पे मिलेंगे। NIT सिक्किम 78,000 पे मैक मिल जाती है, NIT अरुणाचल प्रदेश 94,000 पे आपको मिल जाती है सिविल, रायपुर में 86,000 पे मिल जाती है, नागालैंड में 1 लाख तक आपको सिविल मिल रही थी, ये मैं जनरल की बता रहा हूँ। अगर आप ST/ST कैंडिडेट हैं तो आपको और ज़्यादा रैंक पे भी मिल जाता है। NIT श्रीनगर में 1.2 लाख पे आपको CSAP राउंड में मिल रही थी मेटलर्जिकल, NIT मेघालय 73,000 पे मिल रहा था, NIT उत्तराखंड 60,000 पे मिल रहा था। यहाँ पे हम IITs की बात करें सेफ रैंक की, तो 60,000 पे जनरल को CSE मिल जाती है किसी न किसी IIIT में, 70,000 पे EC मिल जाती है। ऐसी आप अदर कैटेगरी की भी देख सकते हो। अगर मैं यहाँ पे बात करूँ IIIT मणिपुर 84,000 पे आपको EC मिल रही थी लास्ट टाइम, ठीक है, CSAP राउंड का कुछ कह नहीं सकते हैं। तो ये सेफ रैंक जो मैंने यहाँ पे आपको बताई है, अगर आपकी इतनी आई है तो कहीं ना कहीं आपको कुछ ना कुछ मिल रहा होगा। IIIT भागलपुर की बात करें 79,000 पे आपको मैकेट्रॉनिक्स मिल रही थी, अगरतला में 55,000 पे CSE मिल रही थी, IIIT ऊना में 64,000 पे आपको EC मिल रही थी, IIIT DM कुरनूल की बात करें 92,000 पे मैकेनिकल मिल रही थी, ये CSAP राउंड की है। एक और मैं यहाँ पे बात बताऊंगा आपको कि अगर आपकी जैसे कम रैंक आई है 50-60-70-80 हज़ार तक रैंक है, मैं बोलूँगा CSAP राउंड के लिए तैयार रहना बॉस, आपको जैसे तैसे करके अप्लाई करना ही करना है। मैं आपको पूरा प्रोसेस बता दूंगा कैसे अप्लाई करना है, ठीक है, वीडियो आपको मिल रही होगी प्रॉपर। सब्सक्राइब
कर लेना नहीं किया हो तो। एंड 59,000 पे आपको मिल जाता है ट्रिपल आईटी रांची, ट्रिपल आईटी कल्याणी 64,000 पे मिल जाता है, ट्रिपल आईटी डीएम धरवाद की बात करें 55,000 पे आपको ईसी मिल जाती है। तो ये कुछ एनआईटीज एंड ट्रिपल आईटीज भी हैं जो कि आपको काफी कम रैंक में एडमिशन दे देते हैं। तो पूरा यार हमने एक रोड मैप कवर किया, हर स्टूडेंट्स के हिसाब से मैंने ऑप्शंस बताए। जिसके अच्छे परसेंटाइल है वो टॉप प्राइवेट कॉलेजेस की तरफ जा सकता है या फिर उसको कहीं ना कहीं एक एनआईटी मिल रहा होगा या ट्रिपल आईटी मिल रहा होगा। जिसके 93-94 परसेंटाइल के आसपास है तो उसको यार नॉर्थ ईस्ट एनआईटीज में एक लोअर ब्रांच कहीं ना कहीं मिल रही होगी। अगर आप होम स्टेट कैटेगरी में आते हैं तो आपके 89-90-91 परसेंटाइल पे कुछ ना कुछ मिल जाता है। अगर आप नॉर्थ ईस्ट में रहते हैं एंड आपका होम स्टेट कोटा है तो डेफिनेटली आपको 60-70-80 परसेंटाइल पे भी बढ़िया सी बढ़िया ब्रांच मिल जाती है। इसके अलावा हमने बात की कि कौन से ऐसे प्राइवेट कॉलेजेस हैं जो कि आपको कम परसेंटाइल पे एडमिशन दे देते हैं, किन बच्चों को उनमें जाना चाहिए, क्यों जाना चाहिए, उसके बारे में हमने बात की। सेकंड हमने बात की कि स्टेट काउंसलिंग के थ्रू भी आपको प्राइवेट कॉलेजेस एंड गवर्नमेंट कॉलेजेस मिल जाते हैं, उसमें आप एडमिशन ले सकते हैं। दूसरा मैंने ऑप्शन बताया कि आप एक साल इंडिया में पढ़ के फिर आप जर्मनी भी जा सकते हैं, जिसके ऊपर मैंने दो वीडियो बनाई है। अगर आप इंडिया का कोई प्राइवेट कॉलेज अफोर्ड कर सकते हैं तो जर्मनी भी कहीं ना कहीं आप अफोर्ड कर सकते हैं, प्रॉब्लम नहीं आती है। तो ये था यार आज का वीडियो, मुझे आपकी परसेंटाइल बताओ, उसके हिसाब से मैं आगे का कंटेंट प्लान कर पाऊँ, किस कॉलेज के ऊपर रिव्यू चाहिए, वो सारी बातें आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं। इसी के साथ यार मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, इससे सेफ, पीस आउट।